नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो हर शाम की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से जुड़ी पांच ऐसी मुख्य खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालात और नाजुक कर दिए हैं। एक तरफ जहां पर स्कूल और कॉलेजेस खुलने लगे हैं, तो वहीं कई शहर लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगे हैं। इसी बीच हम आपको बताएंगे कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें जो कि आज दिन भर बनी रही। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर बढ़ी। अब तक 1.25 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक दिन गिरावट के बाद फिर बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में 13,742 नए कोरोना केस दर्ज किए गए और 104 लोगों की जान चली गई है। बीते दिन 14,037 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात ये भी है कि बीते दिन कुछ राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। हालांकि इससे एक दिन पहले 10,584 नए केस दर्ज किए गए। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,30,176 हो गए हैं। कुल 1,56,567 लोगों की जान जा चुकी है। 1,07,26,702 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,46,907 हो गई है, यानी कि इतने लोग अभी कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीएमओ ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। केरल में देश के 38% पॉजिटिव। जी हां, देश में एक समय के लिए माना जा रहा था कि कोरोना नियंत्रित होता दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ राज्यों में कोरोना मामले एकदम से बढ़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए पीएमओ ने कोरोना को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जी हाँ, हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वैसे तो देश में कोरोना के एक्टिव मामले 1,50,000 से नीचे बने हुए हैं, लेकिन कुछ राज्यों जैसे केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। इन प्रदेशों में प्रतिदिन कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं। अकेले केरल में ही देश के 38% एक्टिव कोरोना मामले हैं, जबकि महाराष्ट्र में 37% एक्टिव मामले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिर बेकाबू हो रहा कोरोना, नियमों की उड़ती धज्जियां, क्या फिर लगवाएंगी लॉकडाउन। कोरोना ने फिर एक साल पहले जैसे मुश्किल हालात पैदा करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र के अमरावती में 1 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसा ही लॉकडाउन मंगलवार से 11 महीने पहले हिंदुस्तान में लगा था और देश का शायद ही कोई नागरिक हो जो वो दिन भूल सकता हो। अब उसी लॉकडाउन की वापसी की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई राज्यों में एक्टिव केस में लगातार इजाफा हो रहा है। पंजाब में 12 दिन से लगातार एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जम्मू में 6 दिन से, कर्नाटक में 4 दिन से, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में 3 दिन से एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक्टिव केस का मतलब है कोरोना संक्रमितों की संख्या, वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है, जो इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ने का मतलब है कि हालात बिगड़ रहे हैं और चिंता बढ़ रही है। ऐसे में देखा जाए तो लॉकडाउन फिर से लग सकता है। देश में कोरोना के 2 नए स्ट्रेन मिले, लेकिन नई लहर में इनकी हिस्सेदारी के सबूत नहीं। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही देश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन भी मिल रहे हैं। जी हां, केंद्र सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी है कि 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2 नए स्ट्रेन पाए गए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि अभी तक ऐसे ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि इन 2 नए स्ट्रेन के कारण ही महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को जानकारी दी है कि इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया ने कोरोना वायरस के 2 नए रूप N440K और E484K की पहचान की है। महाराष्ट्र में मंत्री के स्वागत में उमड़ी भीड़, शादी में जुटे नेता, उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। जी हां, कोरोना के बढ़ते केस से महाराष्ट्र में लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन आम लोगों की बात तो छोड़िए, बड़े नेताओं की लापरवाही जारी है।
सोमवार को बीजेपी नेता धनंजय महाडिक के बेटे की शादी में लापरवाही का मामला देखा गया। बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। शादी में दिग्गज नेताओं समेत करीब 700 मेहमान जुटे। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ी, ना मास्क नजर आया ना 2 गज की दूरी। एक खबर के बाद अब इस शादी को लेकर केस दर्ज हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी और इसी तरीके से आपके लिए हर रोज, हर बार, हर रात 8 बजे कोरोना और कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 सबसे महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।